अगर हीट का स्टार्टिंग में ही अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इस टिक्की एंड एमसीपीसीबी के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो हीट आपका अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और हीट अंदर से अगर बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब आपका फ्यूज होगा। क्योंकि दोस्तों कैसे है आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा। एंड देखो हमेशा की तरह आज फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो लेकर। इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने सोचा कि कुछ कंपोनेंट वगैरह से थोड़ा हटके कुछ बातें करते हैं। जो बेसिक चीज़ें होते हैं जो रिक्वायर्ड होता है एलईडी बल्ब बनाते टाइम, जब एलईडी बल्ब आप असेंबल करते हो बनाते हो, जो उस टाइम पे कुछ बेसिक चीज़ें केमिकल थिंग्स होता है जो आप यूज करते हो, एंड आप लोग हो सकता है आप लोग इसको जानते हो, जो लोग नए हैं जो नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों का यूज, तो आज हम इन सब चीज़ों के इन द सेंस की कुछ हीटसिंग है, कुछ सिलिकॉन पेस्ट है, इन सब का यूज कैसे करना है। बिकॉज कि जब आप ये सब यूज करते हो ना, आपके बल्ब के लाइफ जो होते हैं ना, 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, 3 ईयर वारंटी में आप लोग देते हो, उन सब का डायरेक्टली इससे संबंध है। अगर ये आप सही से यूज कर रहे हो, अच्छे क्वालिटी यूज कर रहे हो, अगर क्वालिटी भी अच्छा, अगर सही से एमसीपीसीबी प्लेट पे अगर आप लगा नहीं पा रहे हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लेसमेंट आएगा। सो इन सब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिप्लेसमेंट आता है उसको मिनिमाइज कैसे करें, कम कैसे करें, सो उसके लिए ही कुछ थोड़ा सा बेसिक टिप्स वगैरह थोड़ा मैं करके बताऊंगा कि कैसे करना है। तो उससे पहले ना थोड़ा सा क्वालिटी जान लो, कि क्वालिटी भी आपको आइडिया होना चाहिए। जो हीटसिंक कंपाउंड होता है जनरली 2-3 टाइप का आता है। हीटसिंक कंपाउंड का काम क्या होता है आई थिंक आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में कर देता हूँ। हीटसिंक कंपाउंड का काम ही होता है कि, तो इसमें होता क्या है ना कि ये जो एलईडी है ना इस साइड का, ये ग्लो करता है। जब ग्लो करता है ना तो क्या होता है, इससे हीट निकलता है। और ये हीट क्या होता है, इस टिक्की के ऊपर हम लोग रखते हैं एमसीपीसीबी, राइट, तो इससे होते हुए इस टिक्की में आता है, राइट, एंड ये टिक्की अटैच होता है ये हाउजिंग से। सो इस एलईडी का ग्लो इस प्लेट से होते हुए टिक्की में आता है, टिक्की से होते हुए इस हाउजिंग में आता है, इस हाउजिंग से बाहर निकल जाता है। सो अगर हीट का स्टार्टिंग में ही अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इस टिक्की एंड एमसीपीसीबी के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो हीट आपका अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और हीट अंदर से अगर बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब आपका फ्यूज होगा, क्योंकि अंदर हीट इकट्ठा होगा, अंदर ने एलईडी एक एक करके फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, देन आपका रिप्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो इस रिप्लेसमेंट को कम से कम कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग ये हीटसिंक यूज करते हैं, राइट। हीटसिंक का आप लोग बेसिक समझ गए होंगे, एंड एक वजह है सिलिकॉन पेस्ट, इसको बोलते हैं थर्मल पेस्ट भी बोलते हैं, सिलिकॉन पेस्ट भी बोलते हैं, सिलिकॉन ग्लू भी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से इसको लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, वैसे जगह पे वैसे थिंग्स को चिपकाने में जहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, अगर इसको फेविकॉल वगैरह से चिपकाएंगे कोई चीज़, तो हीट के कारण ना वो सही से फिक्स नहीं हो पाएगा, या जब हीट होगा तो निकल जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग ये सिलिकॉन ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि आपने ये एक ऐसा एलईडी बल्ब बनाया आपने, एंड उसके ऊपर आपने ये डिफ्यूजर लगा रहे हैं। कुछ बल्ब में क्या होता है, डिफ्यूजर अच्छे से फिट नहीं होते इसका, चलो देखो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से फिट हो चुका है, लेकिन कुछ हाउजिंग ऐसे होते जिसमें अच्छे से फिट नहीं होते, तो उनके लिए क्या करते हैं, या तो ये जो थ्रेड होता है यहाँ पे कुछ सिलिकॉन ग्लू लगा देते हैं, या अंदर में कुछ सिलिकॉन ग्लू लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसको ऐसे खोल लेना है, एंड इसमें देखो यहाँ से कुछ इस तरह से वाइट कलर का सिलिकॉन ग्लू होता है, आपको ये दिख रहा होगा। सो इसको ऐसे इस पर डालना है, ये बहुत ज़्यादा गिर गया है, थोड़ा थोड़ा लगाना, एकदम बहुत ही बारीक सा लगाना है, एकदम थोड़ा सा, एक ज़्यादा गिर गया है। ओके। सो इसको एक दो जगह पे लगा लेना है, एंड एक दो जगह पे ऐसे ऐसे लगा लो, एंड देन इसको लगा दो, ये हो गया फिक्स। अब ये क्या होगा कि थोड़ा देर इसको छोड़ दो, 10 मिनट 15 मिनट इसको छोड़ दो ऐसे ही, देन उसके बाद ये बहुत हेवीली फिक्स हो जाएगा। तो कभी ये ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन में ही रास्ते में कहीं ये गिरेगा या कुछ होगा। सो सिलिकॉन पेस्ट जनरली यहाँ पे यूज करते हैं।
कहीं पे हीट सिंक की जगह पे भी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे हीट सिंक कंपाउंड जो है ये यूज नहीं करते हैं, सिलिकॉन पेस्ट ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। करते क्या है, ये जो MCPCB है इसके ऊपर सिलिकॉन पेस्ट डालते हैं, जैसे हीट सिंक कंपाउंड डालते हैं उसी तरह से, एंड देन इसको इस पर इस तरह से लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्क्रू नहीं लगाते जनरली बिना स्क्रू का, क्योंकि ये इस पर ना चिपक जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ना आपको हीट सिंक कंपाउंड का यूज करके दिखाता हूँ कि हीट सिंक कंपाउंड थोड़ा क्वालिटी दिखा दो। पहले मेरे पास दो क्वालिटी का हीट सिंक कंपाउंड है, एक ये जो हीट सिंक है जो हाईटेक कंपनी बनाती है, और एक ये हीट सिंक कंपाउंड है जो क्रॉपटन इंडिया के यहाँ बनता है। तो थोड़ा सा मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। ये देखो, ये है क्रॉपटन इंडिया का हीट सिंक, और ये है, ये दिखाओ जरा अंदर में दिखाओ दोनों का। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये क्रॉपटन इंडिया का हीट सिंक है, एंड ये जो अदर मार्केट में आ रहा है जनरल वो है, राइट। थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये देखो, ये काफ़ी हेवी की गाढ़ा है, एंड हीट सिंक ज़्यादा से ज़्यादा पतला होना चाहिए ताकि कॉन्टैक्ट बना पाए। ये गाढ़ा ऐसा लग रहा है ना कि चूना जो होता है ना, चूना इसमें मिक्स किया हुआ है, राइट। एंड इसको देखो थोड़ा सा, मैं ये लेके देखता हूँ, देखो ये कितना पतला है, राइट, पतला है। एंड इसमें जो कंपाउंड यूज हुआ है, इसमें जो केमिकल यूज हुआ है, थोड़ा अलग यूज हुआ है। मैं केमिकल का नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो इंटरनल प्रोसेस है, इसलिए आप देखो एक एक करके ना दोनों का मैं लगा कर दिखाता हूँ। ये मैं क्रॉपटन इंडिया का हीट सिंक है, मैं वो लगा कर आपको दिखाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से हीट सिंक लगाना है, प्रॉपर हीट सिंक होना चाहिए, थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए, तभी आपका बल्ब अच्छे से सक्सेस होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप वगैरह आ रहा है, छूट रहा है, तो देन इसमें जो आप जब इसको ऐसे लगाओगे इसके ऊपर, तो कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा, कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा तो इसका हीट इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। एंड हीट सिंक लगाते टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखो, देखो बैक साइड में तो आप हीट सिंक लगाते हो, लेकिन वो हीट सिंक ना उसके दूसरे साइड आ जाता है, इस साइड में LED के साइड में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हीट सिंक आ गए, राइट, ये हीट सिंक इस साइड से गलती से आ गए, और ये हीट सिंक क्या है, दो LED को टच कर रहा है। अब ये ऐसे ही टच करते अगर हमने छोड़ दिया, तो जैसे बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा, तो ये बल्ब को फ्यूज कर देगा, क्योंकि इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बना देगा, हीट ट्रांसफर होने लगे, तो यहाँ से आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, हीट सिंक कंपाउंड लगाते टाइम भी बैक साइड में तो आप लगा ही रहे हो, ऊपर में भी देखना कि वो LED को तो कहीं टच नहीं कर रहा, या LED के ऊपर तो नहीं लग गया। अगर लग गया तो उसको कोई कपड़े से या कोई चीज़ से उसको साफ कर लिया करो, राइट। सो ये तो हो गया क्रॉपटन इंडिया का हीट सिंक कंपाउंड। ये जनरल हीट सिंक कंपाउंड जो मार्केट में चल रहा है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है बालू की तरह लग रहा है, बहुत ही हार्ड बालू की तरह, खस खस सा हो रहा है, फिर बालू की तरह। हीट सिंक कंपाउंड काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, ये मिक्स किया हुआ है कोई चीज़ इसमें। ये देखो, तो बैक साइड का आप ध्यान रखना, कोई कपड़े वगैरह से कोई चीज़ से इसको ऐसे साफ रखना, राइट। हीट सिंक लगाने का आपने तरीका देख लिया हुआ, हीट सिंक कैसे लगाना है, एंड क्वालिटी भी देख लो दोनों का, हीट सिंक का क्वालिटी देखो, अगर आपको दूर से ही दिख रहा होगा क्वालिटी। ये है जनरल मार्केट में जो आते हैं, एंड ये है जो अपना, राइट। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ग्लू लगा कर भी दिखाता हूँ कि ग्लू कैसा दिखता है, ग्लू कैसे लगाना। देखो ग्लू लगाने का काफ़ी बेसिक था, ऐसे ऐसे कर लेना इसमें, ये देखो हो गया काफ़ी। वो अलग अलग आता है, ये जो हीट सिंक का कलर के भी वाइट आएगा, या इस तरह से लिक्विड कलर में भी आएगा, तो इसको बस जस्ट थोड़ा सा ऐसे कर लेना है, ये हो गया, वो बैक साइड से गिरने लगा, ऐसे कर लेना है, ये हो गया। अब इसको आराम से आप इस LED के ऊपर ऐसे करके चिपका दो, थोड़ी देर छोड़ दोगे ये फिक्स हो जाएगा, इसमें स्क्रू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है जब आप सिलिकॉन पेस्ट यूज करते हो तो।
तो ये था कुछ बेसिक। तो आप सोच रहे होगे कि ये क्रॉपटन इंडिया का जो हीट सिंक है ये कैसे परचेज कर सकते हैं, ये अदर जो मार्केट का है उन सब से इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो अभी थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखाया कि ये हीट सिंक जो है ये कैसे यूज होता है, इसका क्या यूज है, कैसे लगाना है, डिफरेंस भी करके दिखाया। तो हीट सिंक ज़्यादा से ज़्यादा पतला होना चाहिए ताकि एम सी पी सी बी एंड टिक्की के बीच में कांटेक्ट बना पाए, खाली स्पेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसके लिए तो आप पतला वाला हीट सिंक यूज करो, एंड पतला वाला कुछ इसमें केमिकल्स भी एक्स्ट्रा एडहेसिव केमिकल मिलाया हुआ है जो कि मार्केट में लोग नहीं मिलाते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग करते, कॉस्ट महंगा हो जाता है केमिकल मिलाने से। सो इसलिए तो देखो रेट का तो आई थिंक कि दोनों का ऑलमोस्ट जो मार्केट में मिल रहा है उसी रेट में हमने भी अपना हीट सिंक बनाया है, लेकिन ये कि क्वालिटी इसमें बहुत इन्हांस करे, काफ़ी बढ़ाया है। सो ये हीट सिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या हमारे वेबसाइट पे लिंक है, ये अपडेटेड है, तो croptonindia.com पे आप जाकर वहाँ से भी आप ये परचेज कर सकते हो, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। और बेसिकली ये दो तीन पैक में आता है, ये तो 250 ग्राम का पैक है, एक हाफ के जी, 1 kg एंड 100 ग्राम का भी पैक बनाते हैं फॉर द सैम्पल, अगर किसी को सैम्पल वगैरह चाहिए तो 100 ग्राम का भी पैक आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो कि सैंपल ना मंगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको जानना है तो ओके आप मंगा सकते हो, नए हो आपको आइडिया नहीं है हीट सिंक का तो आप मंगा कर चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परचेज करना है, आप एलईडी बल्ब पहले से बनाते हो तो आप ये तो जनरल वाले आप देख ही चुके होगे, राइट। सो इसका भी अगर आपको वीडियो में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो आप वेबसाइट पे जाओ, जो भी आपको चाहिए आप परचेज करो, या ऑफलाइन मोड में अगर व्हाट्सअप करो, कॉल करो, वहाँ से भी परचेज करो। लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ना नाइट टाइम में कॉल मत करना, आप लोग नंबर देखते हो, अगर आप लोग रात को वीडियो देख रहे हो रात को ही आप लोग कॉल करने लगते हो, मैसेज करने लगते हो, तो आप ये ध्यान रखो। रात को आप मैसेज छोड़ सकते हो, सुबह में जैसे ही ऑफिस खुलेगी उस टाइम पे टीम आएंगे, देन वो टीम आपको रिप्लाई दे देगी, लेकिन कॉल आप रात को ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा बचो, आप डे टाइम में कॉल करो एंड इंक्वायरी करो। एंड रात को अगर कुछ जानना है तो वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट इसीलिए आप लोग के लिए ही बना है, 24/7 अवेलेबल है, आप वेबसाइट से ऑर्डर कर लो जो भी चीज़ें आपको जानना है। सो बस बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट था, इतना ही था आज के लिए, एंड फिर कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ कंपोनेंट्स एंड कुछ गाइडलाइन के साथ आऊँगा। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड अच्छे सप्लायर से मटेरियल लीजिए, आप अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। ओके मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।